हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और ये सर्वाइवल सीरीज का पार्ट वन, डे वन। सो जल्दी से एक नया सब वर्ल्ड बनाते हैं और चालू करते हैं हमारी माइनक्राफ्ट की नई जर्नी। सो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड का नाम मैं दे दूंगा एस सोहम्स पैलेस। ओके, और डिफिकल्टी नॉर्मल रहने देंगे, चीट्स को ऑफ रखेंगे, गेम मोड सर्वाइवल और क्रिएट न्यू वर्ल्ड। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे नए वर्ल्ड के अंदर। और ये वाव, सामने हमारे एक विलेज मिल गई हमको। यार मजा आ गया, मतलब ये बेस्ट सीट थी, बहुत अच्छे यार विलेज मिल गई। तो जल्दी से अब हमको बेड की तो चिंता है नहीं, सो सबसे पहले इस विलेज को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। बाकी यार अच्छा लगता, वहां पे मुझे हेबल्स दिख रहे हैं, सो हम लोग पहले हेबल्स उठा लेते हैं। यहाँ पे कैट भी है, इसको भी मैं टेम कर लूंगा बाद में, बट सबसे पहले तो हेबल्स वगैरह लूट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमको क्या करना है। सो यार यहाँ पे मैंने थोड़े से हेबल्स कलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे ये विलेजर भैया है। हेलो विलेजर भैया। हाँ ओके, हाँ बोला, हाँ हेलो बोला मतलब। और यहाँ पे मुझे पता है कि ये वुल है, पर मैं इसको भी तोड़ना नहीं चाहता यार, विलेज के लुक खराब नहीं करना चाहता मैं अभी से, बाद में कर लेंगे पूरी विलेज हमको लूट के, कहीं ना कहीं घर वर भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने हेबल्स बना लिए हैं, मुझे थोड़ा सा वुड तोड़ने जाना है ताकि मैं क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बना पाऊँ, क्योंकि पूरा विलेज के ऊपर डिपेंड रहना तो बढ़िया नहीं रहेगा। सो यहाँ पे मैं वुड काट लेता हूँ काफी सारा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने 9 वुड को कलेक्ट कर लिया, और जल्दी से मैं इसको वुड के प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया, तो पहले हम क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल आ चुकी है, तो जल्दी से हम क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे रख के पहले स्टिक्स बना लेंगे। हमारे पास स्टिक्स भी आ चुकी हैं, ओके। इसके बाद हम सिर्फ पिकैक्स बनाएंगे, क्योंकि अभी से मैं एक्स बना लूंगा वुड की, तो फिर स्टोन मतलब मेरा वुड वेस्ट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट स्टोन की बनाऊंगा एक्स। सो अब जल्दी से मेरे पास पिकैक्स आ गई है, तो मैं स्टोन माइन कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 26 स्टोन को माइन कर लिया है। सो अब मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल के पास जाऊंगा अपने, अरे क्राफ्टिंग टेबल तो यहीं पे मैंने ले ली थी। सो क्राफ्टिंग टेबल पर जाके मैं डायरेक्ट स्टोन की एक्स बना लूंगा। एक शवल भी बना लेते हैं, और पिकैक्स भी बहुत जरूरी है। डन, ओके। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टूल्स बना लिए हैं अपने स्टोन के, और अब मैं जाता हूँ इस विलेज के अंदर एक्सप्लोर करने, क्योंकि चेस्ट्स वगैरह मिल जाते हैं विलेज के अंदर। सो जल्दी से चलते हैं इस विलेज के अंदर। सो हमको अपना पहला चेस्ट तो मिल गया, देखते अंदर क्या है। ओके, एप्पल्स हैं और पोटैटोज हैं, ठीक है दे दो, और गोल्ड नगेट है एक, ठीक है नॉट बैड। और यहाँ पे ओक सैपलिंग्स हैं, सो ये भी हम ग्रो कर लेंगे अपने घर के आसपास। और मुझे एप्पल्स भी, एक एप्पल मिला था मुझे, और 3 तो मुझे चेस्ट से ही मिल गए। चलो और भी चेस्ट एक्सप्लोर करते हैं इस विलेज के अंदर। सो और एक मिल गया, और इसके अंदर भी एप्पल है, वाओ नाइस। ओके, और मैं बेड ना विलेजर्स का नहीं चुराऊंगा यार, कुछ मजा नहीं है। खुद का एक बेड बनाएंगे, खुद का एक घर बनाएंगे अभी छोटा सा, फिर नेक्स्ट एपिसोड में वो घर को कंटिन्यू कर लेंगे बनाना, क्योंकि घर हमको बहुत आलिशान बनाना है, एकदम टेक्नो गेमर्स टाइप्स का। मुझे टेक्नो गेमर्स का बहुत अच्छा लगता है, जो घर है ना उनका, टेक्नो गेमर्स का। और यहाँ पे लाइब्रेरी है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, लाइब्रेरी है तो मतलब बहुत मजा आ गया। मुझे लग रहा था कि इस विलेज में लाइब्रेरी नहीं होगी, पर लाइब्रेरी है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे फ्रेंड्स है पिक्स का एक फार्म, तो हम लोग ब्रीड कर लेंगे, अभी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, पर फिलहाल तो मैं विलेज के घर एक्सप्लोर करने पर लगा हुआ हूँ। सो फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ ना कि इस विलेज में पहले अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लूँ, ताकि फिर मुझे बार बार ये विलेज में आना ना पड़े। ओके, रिस्पॉन पॉइंट सेट हो गया, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आयरन गोलम, हेलो, वरना तेरे को डर नहीं लगता, गुड बाय। ओ नहीं नहीं नहीं, ये उसके ऊपर चढ़ गया, तो ओ यस बच गया। अगर वो ऊपर चढ़ के मेरे ऊपर वार कर देता ना, तो मैं लिटरली खत्म, प्रॉब्लम हो जाती बहुत। पर अब सही है यार, हमारे पास आयरन आ जाएगा। सो अब मैं वाटर बकेट बनाऊंगा, मैं अभी आयरन का कुछ सामान नहीं बना रहा ज़्यादा, वाटर बकेट बना लूंगा, तो वाटर बकेट ट्रिक तो मुझे आती है शायद, देख लेते हैं अभी आयरन मिलता है उसके बाद कि आती है कि नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास आयरन गोलम के थ्रू आयरन आ गया, और हम अभी भूखे भी हो रहे हैं, तो खाना खा लेते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने अपनी भूख एकदम मिटा ली, और जल्दी से यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रख के एक वो बना लेते हैं, वाटर बकेट।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास वाटर बकेट भी आ चुकी है, तो क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेते हैं और चलते हैं वाटर ढूंढने, क्योंकि हमको वाटर बकेट में वाटर तो भरनी पड़ेगी, या तो फिर मिल्क भी भर सकते हैं, पर वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम कोई केव्स में तो जाने वाले हैं नहीं फर्स्ट वीडियो में। तो आज तो बहुत बेसिक सी वीडियो है, आज हम लोग अपना एक घर बना लेंगे, एक शेल्टर बना लेंगे ताकि हम उसमें थोड़ा सर्वाइव कर पाएं, और आने वाले वीडियोस में उस घर को हम बड़ा भी करते रहेंगे। और दीदी यहाँ पे वाटर ही नहीं मिलके दे रही मुझे, वाटर कहाँ पे है? ओह ओह, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे जाएंगे पर अभी नहीं, बाद में कभी जाएंगे, क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, मुझे डर लगता है केव्स से सच बोलूँ तो। और यहाँ पे मुझे पानी ही नहीं मिल रहा यार, मतलब सैड यार, पानी मिल जाए तो अच्छा है, पानी नहीं मिल के दे रहा मुझे। यहाँ पे कहीं रिवर, ओके वहाँ पे पानी है, बट इतना दूर मुझे जाना चाहिए क्या अपनी विलेज से? चलो यार पानी ले आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी वाटर बकेट में पानी भर लिया है, और मैं रास्ते में दो चार शीप्स भी मार लूंगा ताकि यहाँ पे अब मैं खुद का बेड बना पाऊँ, क्योंकि अगर मैं विलेजर्स का बेड चुराऊंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा यार, सो खुद का बेड होना भी चाहिए, तो एक व्हाइट कलर का बेड बना लेंगे। और जंप करके मारते हैं तो फिर हमको ज़्यादा डैमेज करता है हमारा एक्स, और मैं एक्स ही यूज़ करूँगा मेले के लिए। जब हम स्वॉर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मतलब बहुत सारे लोगों के लिए होती है स्वॉर्ड यूज़, अगर किसी एक बंदे को मारना है तो एक्स ज़्यादा डैमेज करती है स्वॉर्ड के मुकाबले। बस एक डिसएडवांटेज होता है कि एक्स की जो स्पीड होती है हिट की वो कम होती है। सो यहाँ पे वाटर बकेट ट्रिक हम लोग ट्राई करते हैं हमारी। ओह मैं गिर गया गलती से, रुको अभी वाटर बकेट ट्रिक तुम लोग को मैं करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स आर यू रेडी, हम लोग वाटर बकेट ट्रिक करने जा रहे हैं। ओके लेट्स गो, लेट्स गो, कर ली मैंने। देखो मैं प्रो तो नहीं हूँ बट वाटर बकेट ट्रिक आती है। देखो मैंने थोड़ा बहुत पहले माइनक्राफ्ट खेला है, बट यू नो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, मेरे को दो चार चीज़ें क्राफ्ट करनी आती है बस, मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं खेला कुछ। सो अभी रात हो रही है तो मैं अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ, और नेक्स्ट डे हम लोग वुड ले आते हैं ताकि हम अपना घर शुरू कर पाएं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो बेड क्राफ्ट कैसे करते हैं, देखो यार मुझे नहीं आता, मैं नूब हूँ, मैं इतना प्रो नहीं हूँ। सो यहाँ पे हमारा बेड क्राफ्ट हो गया, और हम विलेजर के साथ ही सो जाते हैं, चलो एक दिन कोई नहीं। सो अभी रात होने वाली है और हमारी एक्स भी ख़त्म होने वाली है, सो हम लोग इसके लिए भी जुगाड़ ले लेंगे और एक एक्स बना लेंगे, और ये चेस्ट तो खाली है, गेट बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। ओके और ये फ्रेंड्स माइनक्राफ्ट की इस दुनिया का और एक सुहाना दिन, और यहाँ पे एक लाइब्रेरियन है, देखते हैं क्या क्या देता है। ओ ये वही वाला लाइब्रेरियन है, सो इसके साथ बाद में ट्रेडिंग करेंगे। ये लाइब्रेरियन का घर था क्या? ओ मेरे को नहीं पता था। सो यहाँ से अपना मैं बेड तोड़ लूंगा, इधर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लूंगा, और अब जल्दी से बहुत सारा वुड लेके आते हैं। पर उससे पहले मैं थोड़ी सी एक्स और बना लेता हूँ, क्योंकि फिर पता चले यार कि वुड एक्स ही खत्म हो गई फिर कुछ फायदा नहीं है। ओके सो इतनी एक्स काफी रहेगी, सो अब जल्दी से मैं बहुत सारा वुड लेके आ जाता हूँ। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने दो स्टैक्स वुड तो कलेक्ट कर लिए और 8-8 और हैं। सो यहाँ पे मैं उनके प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर एक से 4 स्टैक्स मुझे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे 8 स्टैक्स मुझे मिल गए, तो और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। सो जल्दी से घर बनाना चालू कर देते हैं, पर उससे पहले मुझे लैंड को लेवल करना पड़ेगा। सो जल्दी से कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे मुझे अपना घर बनाना है और उसको लेवल करना चालू करते हैं, और मेरे हिसाब से ये जगह सही रहेगी, पता नहीं यार। देखो रुको, आई थिंक ये जगह सही है, इधर मैं अपना घर बनाऊंगा, और ये सब मुझे लेवल करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस इधर से मैं कैसे करूँ, इधर चालू ही कर देता हूँ डायरेक्ट, लेवलिंग की ज़रूरत नहीं है, देखा जाएगा लेवलिंग। तो यहाँ पे मैं चालू करता हूँ, और अभी मैं आपको बताता हूँ मुझे किस तरह का घर बनाने का सोच रहा हूँ मैं। सो ये मेरा घर एक सर्कल होगा, और वो ऐसे सीधा सा टावर सा होगा, सो वो अच्छा लगेगा, कैसल टाइप्स का ही लगेगा। सो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा एक सर्कल जैसा शेप आ जाए, और चलो जल्दी से बना लेते हैं। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ, स्कूप
मक्का डिजी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन, मिलजुल के करते है काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। 2000 years later. So friends, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने अभी इतना हाइट इसको कर दिया और मेरे हिसाब से इतना सही है एक फ्लोर के लिए। सो यहाँ पे मैं वाटर लूंगा और वाटर बकेट ट्रिक के थ्रू नहीं हो गई वाटर बकेट ट्रिक, वो गलत देखा आप लोगों ने, हो गई वाटर बकेट ट्रिक। हाँ सो यहाँ पे मैंने जो गलतियाँ की हैं थोड़ी थोड़ी उनको मैं सुधार लेता हूँ। और ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर, ज़्यादा लंबा मेरे को करना नहीं है। और जो ऊपर का जो टॉप का कवरिंग होगा ना वो मैं ग्लास से करूँगा, ग्लास बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे टॉर्चेस भी चाहिए, तो उसके लिए अभी मेरे को माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। सो जल्दी से थोड़े से कोल लेके आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स मैं माइनिंग के लिए इस केव में जाना चाहता हूँ, सो इधर चलते हैं। ओह इधर आयरन है, नाइस यार। कितना है कि 2, 3, 4, 5 ओह वाह यार 5 आयरन मिल गया अभी। ओ यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं यार, मैं अंदर नहीं जा रहा, मुझे डर लगता है मैं कहीं बाहर बाहर मुझे कोल दिख जाएगा, तो मैं अभी ले लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा और आयरन है, तो फिर मैं ये वाला आयरन भी उठा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे कोल तो मिला नहीं, तो अभी मैं इस घर की थोड़ी सी डेकोरेशन चालू रखता हूँ। जैसे ये डोर होगा उसकी मेरे को थोड़ी डेकोरेशन करनी थी ऐसे, ओके। और इधर से मैं इसको भर दूंगा, बाद में कभी इसकी थोड़ी और डेकोरेशन कर देंगे, बट अभी के लिए कुछ इस तरह का लग रहा है। और यहाँ पे मैं एक स्टेयर लगा दूंगा, एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं स्टेयर लगाऊंगा तो यहाँ से ब्लॉक नहीं होगा, नहीं होगा, ओके ओके। सो हमारा अभी फिलहाल कासिल कुछ इस तरह का लग रहा है अंदर से, और बाहर से भी दिखा देता हूँ, और बाहर से कुछ इस तरह का लग रहा है, तो मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा है। जल्दी से इसके अंदर की सारी ग्रास भी हम हटा लेंगे। और अभी यहाँ पे मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल, अरे क्राफ्टिंग टेबल इधर आओ, हाँ इधर मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर लूँगा। और यहाँ पे मैं एक स्टेयर का ब्लॉक बना दूंगा, 4 आ गई, ठीक है कोई नहीं, बाद में काम आ जाएंगी। यहाँ पे जल्दी से अपनी स्टेयर्स लगा लेते हैं। और ये आज का हमारा कैसल का वर्क तो काफ़ी अच्छा हो गया है, यहाँ से अंदर आने में प्रॉब्लम हो रही है यार, ये वाला मैं हटा देता हूँ। हाँ और मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक चढ़ा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे 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 और ऐसे, ओके। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने ये बना लिया है, अभी फिलहाल हमारा ऐसा लग रहा है। और मैंने अपना बेड यहाँ पे रखा है, मुझे पता है थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है कैसल, बट आने वाले वीडियोस में हम इसको ठीक कर लेंगे। और अभी लास्ट चीज़ जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ वो एक फर्नेस बनाना। और यहाँ पे मैंने अपनी फर्नेस रख दी, और उसमें अपना आयरन कुक होने के लिए रख दूंगा मैं। हाँ ओके। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया, एक विलेज मिल गई हमें, और हमने इतना हमारा कैसल बना लिया। कैसल की स्टार्टिंग तो सही हुई है। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज़ मिस कर दी बस। हाँ ओके। सो फ्रेंड्स ये फिलहाल हमारे कैसल का लुक, और इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक मार दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।